सुप्रभात बच्चों, आज हम इस ऐसे ग्रह की जानकारी लेंगे जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है सूर्य। हमारा पाठ का नाम क्या है? सूर्य। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी हम पाठ द्वारा लेंगे। तो लेते हैं सूर्य, पाठ का नाम क्या है हमारे? सूर्य। आपस में पाठ सात है और सूर्य इसका नाम है। तो आप पहले हमें कुछ गतिविधि दी गई है, आपस में विचार विमर्श करके बताइए कि सूर्य हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, कितना उपयोगी है। देखिए, अगर सूरज ना होता तो कभी सुबह होती नहीं है ना, इतना महत्वपूर्ण है। और आप सुबह जल्दी उठते नहीं, इसी की वजह से हमारे जीवन में क्या है, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके आठ ग्रहों से मिलकर बना है। उन्हीं में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है वो? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपने किसमें पढ़ा है? एसएस में पढ़ा है या सोशल साइंस में पढ़ा है ना। तो देखते हैं इस पाठ के बारे में कि सूर्य के बारे में हमें क्या जानकारी दी है। देखते हैं आगे बच्चों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13.5 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13.5 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो कितना दिया है उसमें अंक में? 13.5 लाख गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी हमें वो छोटा दिखाई देता है। छोटा दिखाई देता है कि नहीं, हम पृथ्वी पर खड़े रहकर जब हम सूर्य देखते हैं तो हमें क्या लगता है? वो तो छोटा सा गोला है। पर ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो हमसे बहुत दूर है। हमसे क्या है? बहुत दूर है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से करोड़ों क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है यह? 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जहां जहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए कितना लगभग कितना बड़ा है वो पृथ्वी से? 13.5 लाख गुना। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेखा खींचनी है तो आपको पता चलेगा कि उसका अंतर कितना है। ठीक है, कितना बड़ा है वो अंतर भी। अब अंतर कितना है? तो अंतर है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ दूर। इसको भी आपको क्या करना है, रेखा खींचनी है। यह पृथ्वी के समान ठोस नहीं है बल्कि वायु के समूह से मिलकर बना है। किससे बना है? वायु से समूह से, वायु जो होती है ना उससे मिला बना है। किससे बना है ये? वायु से मिलकर बना है। किससे? वायु से मिलकर बना है। सूर्य की धरातल से धक-धक हुई ज्वाला या गैस की हजारों किलोमीटर ऊंचाई लिपकती हुई रहती है। इन लिपटों के कारण सूर्य के चारों ओर तेज का एक घेरा सा सदैव बना रहता है। सूर्य देखने में आग के गोले जैसा प्रतीत होता है। क्या होता है? सूर्य के मतलब हम पृथ्वी जमीन की जमीन से धगधगता हुआ क्या दिखता है? ज्वाला। क्या दिखती है उससे? ज्वाला निकलती हुई दिखती है। क्या निकलती हुई दिखती है? ज्वाला निकलती हुई दिखती है, या गैस 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 का गोला होता है ना, वैसे वैसे दिखता है कि हजारों किलोमीटर ऊंचाई से क्या दिखती है? ऊंचाई से लपटी हुई क्या दिखती है? लपटी हुई दिखाई देती है। इन लपटों के कारण वो सूर्य के चारों ओर कैसे है? तेज यानी प्रकाश है। उसके बाजू में देखा होगा आपने, जब सूर्य दिखाई देता है तो उसके बाजू में क्या दिखाई देता है आपको? प्रकाश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है। एक घेरा से सदैव बना रहता है। प्रकाश का घेरा क्या होता है? देखो आपने देखा होगा ऐसे किरणें आती है इसके आजू बाजू में, तो वो सदैव बना रहता है। कैसे बना रहता है? उसके आजू बाजू में हमेशा वो कैसे रहता है? तेजी से जैसे प्रकाश आते हुए उसके सदैव एक घेरा बना रहता है। और सूर्य देखने में आग के गोले जैसा है ना, कैसे रहता है? आग का गोला देखा है ना आपने, उसी तरह का वो प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है। देखते आगे, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा जब सुबह उठते आप तो सूर्य को देखा होगा, तो कैसे दिखाई देता है वो? जैसे आग का गोला। आग का गोला पता है ना आपको, उस तरह आप फटाके उड़ाते हो उसमें भी दिखाई देगा, उसी तरह का वो क्या होता है? आग का गोला। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य ही प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में सौर मंडल यानी जो पृथ्वी अनेक ग्रह है, जो आठ ग्रह है, उसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रकाश। प्रकाश और ऊर्जा के लिए हमें किस पर हम अवलंबन रहते हैं? तो सूर्य पर रहते हैं। किस पर रहते हैं?
सूर्य पर रहते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सूर्य ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि सूर्य ही हमारा पालन करता है। हम क्या कह सकते हैं कि हर कोई क्या कहता है कि सूर्य ही हमारा पालन करता है। देखिए, एक दिन अगर सूरज नहीं आएगा तो हम उठेंगे क्या? नहीं, यानी सब थम जाएगा। तो सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को हमारा पालन करता कहा गया है। क्या कहा गया है? पालन करता कहा गया है। अंततः हमारा जीवनदाता, वो क्या है? हमारा जीवनदाता है। क्या है? जीवनदाता। अगर सूर्य है तो हमारी सुबह है, और सुबह है तो हम दिन से उठकर फिर हर एक काम करते हैं। यानी सूर्य हमारा जीवनदाता है। क्या है? जीवनदाता है। बारिश के दिनों में जब कभी कभी पूरे दिन सूर्य नहीं निकलता, तब वातावरण में कितनी नमी हो जाती है। कितनी नमी हो जाती है ना? देखिए, सूर्य नहीं होता तो कितनी नमी हो जाती है? कैसे लगता है? हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना? तो ये सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बारिश में भी हम बोलते क्या हो रहा है, अंधेरा अंधेरा छा जाता है बारिश के कारण, वो सूर्य दिखाई देता नहीं, इसके लिए क्या होता है? और वातावरण में भी क्या हो जाती है? नमी हो जाती है। देखते आगे, और सीलन के कारण कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि परेशान करने लगते हैं। सीलन यानी गीलापन। क्या होता है? गीलापन। वातावरण सारा गीला गीला हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि परेशान करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हमें परेशान करने लगते हैं। अगर सूरज की धूप, तपती धूप होती है, तब हमें क्या नहीं परेशान करते? मक्खी मच्छर क्या करते नहीं? परेशान नहीं करते। बच्चों, कल्पना कीजिए, यदि सूर्य न निकले तो पृथ्वी पर क्या होगा? हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर दिन नहीं निकलेगा तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे सोएंगे, कब सुबह होगी, कब शाम होगी, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए हम उसकी कल्पना न करें तो ही अच्छा। चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। अब हमने कल्पना की तो क्या हो गया? चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, और वायुमंडल की सारी नमी बर्फ बन जाएगी। सारी नमी क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। नमी यानी जो गीलापन है ना, वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। परिणाम स्वरूप ठंडक के कारण पृथ्वी की सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी। बहुत सारा ठंड होगा। हमें भी देखिए, ठंड पड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो सारी वनस्पतियां भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और जीवन समाप्त हो जाएगा। देखिए, केवल एक दिन, केवल अगर सूरज नहीं आगा, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? चारों ओर अंधेरा छाएगा। पहले तो क्या होगा? चारों ओर अंधेरा छाएगा, और वायुमंडल की सारी नमी जो है वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। परिणाम स्वरूप ठंड के कारण पृथ्वी की सारी वनस्पतियां क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, और जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? देखते आगे। सूर्य वर्षा में भी सहायक होता है। सूर्य किसमें सहायक होता है? वर्षा में, यानी बारिश के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। कौन? सूर्य। सूर्य के ताप से समुद्र आदि का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सूर्य जब तपता है, ताप यानी तपता है, मतलब धूप होती है ना उसकी, तो तपने, देखो आप भी खड़े रहेंगे अगर सूरज के नीचे तो आपको धूप लगती है ना, वो वैसे तपता है आदि के कारण क्या बनता है? जो समुद्र में पानी होता है वो क्या बनती है? भाप बनती है। क्या? भाप बनती है। भाप यानी वाफ, मराठी में से क्या कहते हैं? वाफ। तो भाप बनकर उड़ जाता है। क्या बन जाता है? वो जो पानी होता है वो भाप बनकर धीरे धीरे उड़ जाता है। आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचने पर यह भाप ठंडी हो जाती है। अब क्या होता है? पहले तो भाप बन गई, समुद्र का पानी सूर्य की तप्त के किरणों के कारण क्या हो गया? सूर्य के ताप के ताप से क्या हो गया? समुद्र का जो पानी था वो भाप बन गया। पानी क्या बन गया? भाप बन गया। पहली बात क्या हुई कि वो भाप बन गया। फिर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर बहुत ऊंचाई पर पहुंचने पर यह भाप, अब यह भाप क्या हो गई? ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और पानी की बूंदे बनकर अब क्या बनेगी? बहुत ऊंचाई पर जाने पर क्या बन जाती है? बूंदे, पानी की बूंदे। क्या बन जाती है? वो पानी की बूंदे बन जाती है। क्या बन जाती है? पानी की बूंदे। पहले क्या होता है? समुद्र की ताप से यानी उसकी धूप से क्या होता है? पानी की भाप बनती है। पहले भाप बनती है, फिर आकाश में अत्यंत
ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या हो जाता है, भाप ठंडी हो जाती है, भाप क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और फिर पानी की क्या बनती है, बूंदे बनती है, और फिर वो बरस पड़ती है, तो वही वर्षा का, वर्षा का हमारे वही क्या होती है, वर्षा होती है, यानी बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है। वर्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह तो सभी जानते हैं, है ना, वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वर्षा न हो तो पृथ्वी पर न पेड़ पौधे होंगे और ना ही कोई जीवन, है ना, क्या नहीं होगा, तो पृथ्वी पर क्या नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे और कोई जीवन भी नहीं होगा। यानी सूर्य की वजह से ही हमें क्या होता है, सूर्य पहले तपता है, फिर उसकी, फिर वो समुद्र का पानी में भाप बनती है, फिर भाप बड़ी ऊंचाई पे आकाश में ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाती है, उसी की, उसी का क्या होता है, बारिश होती है। यानी महत्वपूर्ण हमारे लिए, अगर बारिश भी महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे के लिए, हमारे लिए भी पानी पीने के लिए जरूरी है कि नहीं, तो वो किससे मिलती है, हमें सूर्य के कारण ही मिलती है। देखते आगे, देखिए इसमें दिखा दिया गया, पहले क्या होता है, सूर्य की भाप, है ना, सूर्य जो सागर का पानी है उसकी क्या बनती है, भाप बनती है, फिर भाप बनने के बाद क्या होता है, बड़ी ऊंचाई पर जाकर बादल बन जाते हैं, वाष्पीकरण, ना, फिर बादल बनने के बाद धीरे धीरे बारिश आ जाती है। इसका ये बारिश का क्या है, चक्र है ना, यानी इसमें हमें महत्वपूर्ण क्या है, तो हमें सूर्य अगर तपा नहीं, यानी वो तपा नहीं तो हमें पानी बन, उसका बारिश बनेगी क्या, नहीं, इसका भाप नहीं होगी, जो पानी है उसकी भाप नहीं होगी और बारिश ठीक से होगी नहीं। इसकी वजह से सूर्य हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर है, सूर्य ही फूल पत्तियों को रंग और रस प्रदान करता है, सूर्य ही क्या करता है, फल करता है, रंग और रस प्रदान करता है, क्या करता है, रंग और रस प्रदान करता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती है, जो पत्तियां होती है आपने देखा होगा, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, सूर्य के ही मौजूदगी में भोजन बनाते हैं। इसके लिए यानी अगर अगर सूर्य आया तो ही क्या होगा, पौधे में क्या बनेगा, भोजन बनेगा, और उसके भोजन बनने के कारण ही हमें क्या मिलेगा, हमारा जीवन किस पर अवलंबन है, यानी किस पर यह है अवलंबन है, तो सूर्य पर। देखते आगे, वृक्षों को भोजन पहुंचाती है, वृक्षों को क्या पहुंचाती है, भोजन पहुंचाती है, वे हरे भरे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, हरे भरे, ये आपने कहां में पढ़ा है, विज्ञान में पढ़ा है ना, कि किस तरह से वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, फिर वो सब कहां, किसमें सीखा है आपने, विज्ञान में सीखा है। धूप से नहीं, धूप से ही फसल तैयार होती है, धूप से ही क्या होती है, फसल तैयार होती है, और मनुष्य शाक सब्जी अन्न फल आदि प्राप्त कर पाता है, और मनुष्य को क्या जरूरी होता है, शाक सब्जी अन्न फल आदि प्राप्त कर पाता है। यही कारण है कि सूर्य को अन्नदाता भी कहा जाता है। अब सूर्य को अन्नदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे पेड़ जो होते हैं, पेड़ ही अपना भोजन तैयार करते हैं, और फिर हमें क्या मिलती है, फसल मिलती है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सूर्य को अन्नदाता कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्नदाता, पहले तो पालन करता था, फिर जीवन, और अब अन्नदाता, हमारा अन्न भी कहाँ से मिलता है हमें, तो सूर्य की मदद से, है ना, बिना सूर्य हम अन्न भी बना सकते नहीं। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में ही नहीं आज भी लोग सूर्य को देवता मानते हैं, सूर्य को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं, और उसकी पूजा करते हैं, और उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, क्या है, विश्व प्रसिद्ध, कौन सा मंदिर है वो, सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है कोणार्क का। सूर्य की किरणें देखने में हमें सफेद प्रतीत होती है, कैसी किरणें दिखती है हमें, सफेद दिखती है, कैसे दिखती है वो, सफेद दिखती है, लेकिन वे केवल सफेद ही नहीं होती, वो सफेद होती है क्या क्या, केवल नहीं, बल्कि उनमें कौन से रंग होते हैं, इसमें भी आपको रेखा खींचनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग की होती है। किसकी किरणें की होती है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग की होती है। किसकी रंग की होती है, तो हम पहले फिर से देखते हैं, जैसे आप इंद्रधनुष देखते हो ना, उसी रंग की होती है, देखो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग की होती है। ये सभी रंग मिलकर
धूप में चकाचौंध उत्पन्न करते हैं, यानी चकाचौंध यानी देखो जब वो सूर्य की ऐसे किरण फैलती है ना यहाँ वहाँ, तो इतना सुंदर दिखाई देता है दृश्य। अगर आपको देखना है तो सुबह सुबह देखना, इतना सुंदर आंखों को भी इतना बेहतरीन लगता है। तो क्या करती है, चकाचौंध उत्पन्न करती है। इसी से धूप से, धूप पृथ्वी पर जो चीजें है उसमें रंग उत्पन्न होती है। जो धूप में क्या होती है, इसी से धूप से, इस धूप से हमें क्या होती है, पृथ्वी पर जो चीजें है उसमें रंग उत्पन्न होता है। क्या होता है, रंग उत्पन्न होता है। इसी से प्रकृति हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। देखो आप देखोगे हरे हरे भरे पेड़ है और उस पर अगर सूर्य प्रकाश गिरता है तो उसका रंग कितना बेहतरीन लगता है। तो वो किस कारण होता है, सूरज के कारण। किसके कारण, सूरज के कारण प्रकृति में हमें रंग बिरंगे दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में जब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, कौन दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो सूर्य की किरणों के सातों रंग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इससे दिखा जा सकता है सूर्य की जो किरणें होती है, जब वर्षा ऋतु में आपने इंद्रधनुष देखा है ना, तो इंद्रधनुष जब दिखता है तो सूर्य की किरणों के सातों रंग, कितने, सूर्य की किरणों के रंग सातों है, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, उनसा लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, ये जो सात रंग है सूर्य के, किसमें दिखाई देते हैं हमें, इंद्रधनुष में। किसमें दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। सातों रंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कब देख सकते हैं हम ये जो सूर्य के सातों रंग, कब देख सकते हैं, जब बारिश या वर्षा ऋतु में क्या दिखाई देता है हमें, इंद्रधनुष, तब हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य के सातों रंग दिखाई देते हैं। कौन से होते हैं वो सातों रंग, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी और नीला, बैंगनी। ठीक है, देखते आगे। आज वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्रों का निर्माण कर लिया है जो धूप से ताप और शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। धूप से क्या कर लेते हैं, ताप यानी उष्णता, उष्ण शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और उससे केंद्रित कर सौर ऊर्जा देखते होगे ना, वो केंद्रित कर विविध कामों में उपयोग में लाते हैं। इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उस धूप को क्या करते हैं, एक यंत्र बनाया जाता है, आपने लगाया होगा आपके घरों में, होता है ना, सूर्य उसे क्या कहते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सूर्य ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में सूर्य तो ऊर्जा का क्या है, अक्षय भंडार है, कभी ना नष्ट होने वाला क्या है, भंडार है। अगर दिन में हमें उजाला दिखता है तो केवल किसकी वजह से है, केवल सूर्य की वजह से। तो अक्षय है यानी वो कभी नष्ट न होने वाला क्या है, कभी नष्ट न होने वाला क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। हम इससे क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने आज क्या किया, ऐसे यंत्र बनाए हैं जो धूप को क्या करते हैं, ताप और शक्ति को एक साथ करते क्या करते हैं, विविध काम से पानी तापना ये सब काम करते हैं ना हम। और अब क्या करते हैं, लाइट्स भी निर्माण कर रहे हैं उसे, इससे सूर्य से सौर ऊर्जा से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में ये क्या है, हमारा सूर्य हमारा ऐसा एक ऊर्जा का स्रोत है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। देखिए दिन में हमें जो भी हम लाइट्स क्यों नहीं लगाते दिन में, क्योंकि सूर्य क्या है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी की वजह से हम दिन भर नहीं लाइट्स लगाते, कब लगाते हैं, शाम में, क्योंकि शाम में सूर्य आता है क्या, नहीं आता है। समझ में आया, इस तरह से हमने क्या देखा आज, इस तरह से हमने आज देखा कि जो सूर्य ग्रह है, जो सूर्य के बारे में यानी सूर्य के बारे में हमने जानकारी ली। क्या जानकारी ली, वो क्या है, वो कितनी दूरी पर है पृथ्वी पर से, कितनी दूरी पर है, उसे हमें क्या मिला, उसे हमने अन्नदाता क्यों कहा, उसे जीवनदाता क्यों कहा, वो पेड़ों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और हम उसे देवता क्यों मानते हैं, इन सब की जानकारी हमने इस पाठ में से ली। अब अगले पाठ में हम या अगले भाग में हम इसका अभ्यास करेंगे। बाय बाय।